So hello guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Harshit Sharma और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर के मेरी LinkedIn पे Instagram पर कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था जो मुझसे पूछा जा रहा था कि ये कि कैन वी लीव ट्रेनिंग पीरियड इन बिटवीन, क्या हम ट्रेनिंग बीच में छोड़ सकते हैं. तो ये क्वेश्चन मेरी क्वेरीज में कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था तो आज इसके ऊपर बात करेंगे. वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर ही देना सब्सक्राइब तो, और भी क्वेरी हो तो कमेंट करना. तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट करे. तो इस बात को मैं दो चीजों को लेकर समझाता हूँ कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था और अब क्या चल रहा है. जैसा मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, हम सबकी ट्रेनिंग हुई थी, तब वर्चुअल ट्रेनिंग हुई थी हमारी, तो हम सबकी हुई थी ट्रेनिंग. जैसे मेरे साथ 35 बच्चे थे तो ट्रेनिंग खत्म होते होते 31 ही बच्चे, मतलब चार बच्चे या तीन या चार बच्चे छोड़ के चले गए थे. तो उनके साथ तो ऐसा कुछ एक्शन या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंपनी को बताएं कि वी आर रिजाइनिंग दिस कंपनी, फलाना ठीका, हम लोग बताएं. जैसे मेरे भी पहले कॉग्निजेंट में ट्रेनिंग करी थी तो मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद छोड़ा था, मैंने वो LTI ज्वाइन करी थी उसके बाद, तो मैंने पहले ही रिजाइन डाल दिया था कि आई एम रिजाइनिंग दिस कंपनी, थैंक यू फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटी यू हैव प्रोवाइडेड. तो मैंने ऐसा करके मेल डाल दिया था, तो बाद में मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था उस कंपनी में. तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बताएं कंपनी को. और रही छोड़ने के बाद, तो मेरे साथ वालों के जितने भी छोड़ के गए थे कुछ भी कैसा भी इशू नहीं हुआ था, ठीक है. अब बात करते हैं इस बार की. तो इस बार क्या हो रहा है, मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो रही. जिन लोगों से मैं अपनी कंपनी में मिला हूँ यहाँ पर जो फ्रेशर आए हैं वो सब बता रहे थे कि भैया हमारी तो मतलब ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, सीधे डिप्लॉय कर दिया हम लोगों को. जैसा कि मैंने पिछली क्वेरी में भी बताया था, अपनी में कमेंट क्वेरी वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, तो वो वाला सीन चल रहा है कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही. तो कुछ लोगों का मेरे पास ये भी मैसेज वगैरह आते कि भैया हमारी ट्रेनिंग हो रही है कलिंगा कैंपस में हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कोयम्बटूर हो रही है, ऐसे करके ये भी मैसेज आए थे कि तो ट्रेनिंग हो रही है. तो क्या सीन है, कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही ट्रेनिंग. तो जिन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही तो आपके ऑफर लेटर में साफ रखा होगा. जैसे मेरा जो ऑफर लेटर आया था ना फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तब मिला था मुझे एज अ यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय फॉर दिस कंपनी. तो ऐसा करके मेरे पास आया था ऑफर लेटर, उसके बाद ही जो प्रोविडेंट फंड वगैरह PF कटता है वो उसके बाद ही कटा था मेरा, ठीक है. अगर आप लोगों का PF अभी से कट रहा होगा तो पहला अकाउंट ही होगा PF का आपका, ये प्रोविडेंट फंड का, वो कंपनी ने ही बनवाया होगा, कंपनी ने ही चालू करवाया होगा. तो अगर आपका यहाँ PF कट रहा होगा, PF अकाउंट बना होगा या बन चुका होगा, PF कट रहा होगा, ये आपकी जो सैलरी वगैरह आएगी उसमें देख के पता चल जाएगा. तो अगर वो कट रहा होगा तो दिक्कत क्या होगी, अगर आप फिर दूसरी कंपनी में जाओगे ना तो वो फिर से कहेंगे कि आप फ्रेशर हो, आप बोलोगे कि हाँ फ्रेशर है ये, फिर वो खुलवाएंगे अपना PF अकाउंट, तो वो खुलवाएंगे तो डिसमैच हो जाएंगी चीजें. तो इस केस में क्या होता है ना, जो पुरानी कंपनी से हमारा PF अकाउंट होता है ना, हम नई में ट्रांसफर कराते हैं, अकाउंट सेम ही रहता है, बस ट्रांसफर होता है वो. तो ये चीजों में दिक्कत आएगी अगर आप बता के नहीं करोगे, बाद में भी फिर आपको यही करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, फिर काफी ज्यादा सेफ्टी हो जाएंगे फालतू के बेमतलब के, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. ये ऑप्शन बताएंगे, PF वाला देख के समझ सकते हो क्या सीन है क्या नहीं. और वैसे भी जब आप बताओगे, जैसे मेरे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कि हाँ मैं प्रोजेक्ट से ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता, तुरंत ही चाहूँ कि मैं कल छोड़ नहीं छोड़ सकता, वो सारी चीज़ें हैं, सारा सब कुछ हैंडओवर करना पड़ता है. तो उसके लिए ही नोटिस पीरियड बना हुआ है, 90 दिन का जो नोटिस पीरियड रहता है ना उसी के लिए, कि मेरे जगह अगर कोई पर्सन आएगा तो मैं उसे अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे बता के जाऊँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सब उसे समझाऊँ, उसके बाद ही मुझे लीविंग लेटर मिलता है कंपनी से, ऐसा होगा, ठीक है. अगर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है या कंप्लीट हुई है, अगर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप बेंच पर, तो आप रिजाइन डालोगे तो मुझे लगता है कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोलेगी कि नोटिस पीरियड तुम्हें सर्व करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एक आध हफ्ते में तुम्हें रिलीव कर देंगे, ठीक है. तो ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला है. तो मैंने यहाँ पे मतलब दो तीन चीज़ें कवर कर दी हैं, तो वो आप देख लेना जो आपके हिसाब से सूटेबल लगती है, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो. तो ये चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये ज़रूरी हो सकती है. तो यही है आज की वीडियो में. अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करना, मैं सारी देखूंगा पढ़ूंगा क्या है क्या नहीं, और जैसा मुझे बताना होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय.